प्रश्न, एक वर्ष मैंने उन दिनों के रोजे नहीं रखे थे जिनमें मासिक धर्म आता है, और अब तक मैं उन दिनों के रोजे नहीं रख पाई हूँ जबकि उस पर कई वर्ष बीत चुके हैं। मैं अपने ऊपर अनिवार्य रोजों के कर्ज को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरे ऊपर अनिवार्य रोजों की संख्या कितनी है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है, तथा अल्लाह की दया और शांति अवतरित हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तत्पश्चात आपको तीन काम करने होंगे। पहला काम, आप इस विलंब के लिए अल्लाह ताला के समक्ष तौबा करें, अतीत में हुई लापरवाही पर पछतावा करें और दोबारा ऐसा काम न करने का दृढ़ संकल्प लें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, अर्थात ऐ मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह की ओर तौबा करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। यह विलंब एक पाप है, इसलिए इससे अल्लाह के समक्ष तौबा करना आवश्यक है। दूसरा काम, आप उन दिनों की संख्या में रोज़ा रखने में जल्दी करें जिन्हें आप सबसे अधिक संभावित मानती हैं। अल्लाह किसी भी प्राणी पर उसकी शक्ति से अधिक बोझ नहीं डालता, अतः आपका जितने भी दिनों के रोज़े छोड़ने का गुमान है आपको उतने दिनों का रोज़ा रखना चाहिए। यदि आपका गुमान यह है कि वे 10 दिन हैं तो आप 10 दिनों के रोज़े रखें, यदि आपको लगता है कि वे इससे अधिक या कम है तो आप अपने गुमान के अपेक्षानुसार रोज़े रखें, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अर्थात अल्लाह ताला किसी प्राणी पर उसके सामर्थ्य से अधिक भार नहीं डालता, तथा अल्लाह सर्वशक्तिमान का फरमान है, फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, अर्थात अपनी यथाशक्ति अल्लाह से डरते रहो। तीसरा काम, प्रत्येक दिन के बदले एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलाए यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। भले ही आप इसे पूरे का पूरा एक ही गरीब व्यक्ति को दे दें, लेकिन अगर आप गरीब हैं और खाना खिलाने की क्षमता नहीं रखती है तो इस विषय में आपके ऊपर रोज़ा रखने और पश्चाताप करने के अलावा कुछ भी अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक दिन के बदले एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलाने की अनिवार्य मात्रा अपने देश के मुख्य भोजन खाद्यान्न का आधा सा है, जो लगभग 1.5 किलोग्राम के बराबर होता है। यह उसके लिए है जो इसे देने में सक्षम है, और अल्लाह ताला ही तौफीक प्रदान करने वाला है।